हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अंडरटेकर द फीड एट ब्रॉक लेसनर की बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, मेरे पास बहुत बड़ी एक्सप्लोसिव न्यूज है जो सुनकर आप एकदम शॉक हो जाएंगे। आखिर कौन सी बड़ी अपडेट आई है रिगार्डिंग अंडरटेकर, ब्रॉक लेसनर एंड द फीड, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि क्राउन ज्वेल काफी ढांसू इवेंट था और क्राउन ज्वेल के दिन है AEW और NXT भी थे। दोस्तों, इन दो शो के रेटिंग्स आ चुके हैं। अब दोस्तों, इन दो शोज को कम्पीट करने के लिए वर्ल्ड सीरीज भी चल रहा था, जिसे मिले हैं नियरली 21 मिलियन व्यूअर्स। और दोस्तों, AEW की बात करें तो AEW को मिले हैं सिर्फ 759K और NXT की बात करें तो NXT को मिले हैं सिर्फ 580K। दोस्तों, देखा जाए तो यह व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा कम है। AEW को लास्ट वीक थे 963K एंड NXT को लास्ट वीक थे 698K। तो ऐसा देखा जाए तो AEW के लास्ट वीक से कंपेयर किए जाए तो 2 लाख व्यूअर्स चले गए और NXT के देखा जाए तो 1 लाख व्यूअर्स चले गए। तो ये काफ़ी ज़्यादा बैड साइंस है NXT के लिए एंड इवन AEW के लिए भी। तो फिर दोस्तों, हमें देखना होगा कि क्या ये मिजेट्स रेटिंग्स इंक्रीज करते हैं नेक्स्ट वीक और नॉट। और दोस्तों, NXT की बात करें तो एक और बड़ी न्यूज़ आई है रिगार्डिंग NXT। जैसे आपको पता है कि WWE का जो नेक्स्ट पेपर व्यू होने वाला है वो होने वाला है सर्वाइवर सीरीज, जो बहुत बड़ा पेपर व्यू है, जहां पर ब्रांड सुप्रीमेसी के लिए रॉ वर्सेस स्मैकडाउन के मैचेस हमें देखने मिलते हैं। जैसे आपको पता है कि पहले रॉ एंड स्मैकडाउन ही कम्पीट करते थे सर्वाइवर सीरीज में, बट इस साल WWE ने NXT को भी घुसेड़ दिया है। इतने ज़्यादा डेस्परेट हो गए हैं WWE रेटिंग्स के लिए कि NXT को भी इसमें घुसेड़ दिया है। माइकल कोल ने क्राउन ज्वेल में पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन तो नहीं किया, बट उन्होंने इतना कहा है कि सर्वाइवर सीरीज में रॉ वर्सेस स्मैकडाउन वर्सेस NXT का कॉम्पिटिशन होने वाला है और अब उनके मैचेस क्या होंगे वो हमें देखने होंगे इन द कमिंग टाइम। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट के बारे में, जुड़ी है अंडरटेकर से। जैसे आपको पता है कि अंडरटेकर सऊदी अरेबिया के क्राउन ज्वेल इवेंट के लिए बुक हुए ही नहीं थे, बट सऊदी की क्राउड काफ़ी रूट कर रही थी कि उन्हें अंडरटेकर को देखना है परफॉर्म करते हुए। तो फिर दोस्तों, काफ़ी सारे स्पेकुलेशंस ये लग रहे थे कि अंडरटेकर होंगे क्राउन ज्वेल इवेंट में और वो इंटरफेयर करेंगे फीड के मैच में या फिर वो किसी जॉबर को मारेंगे, बट पूरा शो खत्म हो गया और अंडरटेकर आए ही नहीं। जैसे आपको पता है कि स्मैकडाउन के फॉक्स वाले डेब्यू एपिसोड में हमें ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया गया था, जब लेजेंड्स को फीचर कर भी उन्होंने अपियरेंस नहीं किया था उनका शो पर। यहाँ पर भी उन्होंने ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया, अंडरटेकर को नहीं लाया पूरे शो में। फीड को जिताना ही था यूनिवर्सल चैंपियनशिप, इसलिए अंडरटेकर का सेंस बनता नहीं था कि वो मैच में इंटरप्ट करे। बट अगर अंडरटेकर किसी जॉबर को स्क्वॉश करते, चोकस्लैम या फिर टूम्बस्टोन लगाते तो कुछ ज़्यादा नहीं था WWE का, आई गेस। बट एनीवेज, क्राउन ज्वेल पेपर व्यू काफ़ी डिसेंट था और काफ़ी एंडिंग अच्छी हुई उसकी। चलिए अब बात करते हैं मेगा अपडेट के बारे में, जो जुड़ी है ब्रॉक लेसनर एंड द फीड से। क्राउन ज्वेल में ब्रॉक लेसनर ने रिटेन कर लिया अपना WWE चैंपियनशिप एंड द फीड बन चुके हैं हमारे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। अब दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है कि क्या दोनों चैंपियंस, दोनों टॉप चैंपियंस स्मैकडाउन में ही होंगे, तो फिर रॉ में कौन होगा? जैसे आपको पता होगा कि ड्राफ्ट के टाइम WWE ने कहा था कि ब्रे वाइट कैरेक्टर होंगे स्मैकडाउन पर और द फीड कैरेक्टर होंगे रॉ पर। और दोस्तों, वैसे भी कल यूनिवर्सल चैंपियन ब्रे वाइट होंगे मिस TV में शामिल। तो फिर दोस्तों, कल के मिस TV वाले सेगमेंट में हमारा ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि क्या ब्रे वाइट और द फीड, ये दोनों कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं रॉ में, या फिर ब्रे वाइट रहते हैं स्मैकडाउन में और द फीड रहते हैं रॉ में। जैसे आपको पता होगा कि जब ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैंपियन थे रॉ पर, तभी बेल्ट इतना दिखता नहीं था शो पर। वैसे ही कुछ टेक्निक WWE आजमा रहे हैं अभी। तो फिर दोस्तों, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर ब्रे वाइट कौन सी चीज़ रिवील करते हैं कल के मिस TV वाले सेगमेंट में। और बात करें ब्रॉक लेसनर की, तो हमें उनका और रे मिस्टीरियो का सेगमेंट देखने मिल सकता है कल के स्मैकडाउन में। तो फिर हमें देखना होगा कि आखिर क्या होता है कल के स्मैकडाउन में विद WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर एंड न्यू यूनिवर्सल चैंपियन द फीड AKA ब्रे वाइट। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, फर्स्ट, क्या आप कल के ढांसू स्मैकडाउन के लिए एक्साइटेड हैं? एंड सेकेंड, अंडरटेकर क्राउन ज्वेल में ना आने की वजह से क्या आप अपसेट हुए? सो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।